हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और आज का वीडियो जो है वो धनतेरस पूजा पर है। सो ऑलमोस्ट ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, मैंने पहले से इनके बारे में। चलो वो क्वेश्चन उठा देंगे, सो ऑलमोस्ट मैंने पहले से ये वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उठ के देना, तो आप उन वीडियो को चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं इसमें कोई कमी रह जाती, मैं भी कमी रहेगी नहीं, मैं सब कुछ जो है वो मैंने लिख कर बैठी हुई हूँ, क्योंकि आजकल मेरी याददाश्त भी थोड़ा सा वैसी हो जाती है ना, मुझे कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ नहीं रहती हैं। सो चलिए मैं आपको आराम से पहले मैं बैठ जाऊँ, और आज मैं आपको धनतेरस पूजा के बारे में विधि एंड विस्तार से बताती हूँ। सो सबसे पहले तो ये, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि धनतेरस के दिन हम माता लक्ष्मी श्री गणेश जी का पूजन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। धनतेरस वाले दिन हम भगवान श्री धन्वंतरी जी का पूजन करते हैं, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, और समुद्र मंथन से हमें जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक, इस दिन बहुत सारी विशेष चीज़ें होती हैं। खरीदारी के अलावा धनतेरस से ही पंच पर्वीय त्यौहार शुरू होता है। ठीक, जैसे कि धनतेरस, छोटी दिवाली जिसे हम रूप चतुर्दशी कहते हैं, बड़ी दीपावली, और फिर दोज, परिवा और गोवर्धन। तो इस तरीके की पूजाएं जो है वो हम पूरी करके जो है वो पंच पर्वीय त्यौहार मनाते हैं। इस पंच पर्वीय त्यौहार में हम देवी देवताओं के साथ पितरों का पूजन भी करते हैं। प्रति 5 दिन, जो 5 दिन है, इस दिन हम अपने पंच देवी देवताओं के साथ, जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी पर सब होता है, अग्नि, जल, वायु सब आते हैं, इसी तरीके से हमारे पितृ लोग भी पृथ्वी लोग पर आते हैं और हम उनका भी पूजन करते हैं। तो सबसे पहले, चूंकि धनतेरस की पूजा का वीडियो है, मैं आपको विस्तार से इसमें बताऊंगी कि हमें श्री धन्वंतरी जी के श्री विग्रह की स्थापना कैसे करनी है, या हम और चीज़ें कैसे करना चाह रहे हैं। तो उसके पहले मैं आपको सभी पूजा के शुभ मुहूर्त बता दूँ कि खरीदारी आप किस मुहूर्त में कर सकते हैं। मैंने सब लिख के रखा हुआ है, ताकि ना मुझे कोई कन्फ्यूज़न हो, ना आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। सो अभिजीत मुहूर्त 10 नवंबर को धनतेरस पर सुबह 11:43 से शुरू होगा, 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो आप इसमें आराम से खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, वाहन हुआ, संपत्ति हुई, जमीन हुई, ये सब चल वाली संपत्तियां हैं, चल वाला धन है, तो इसका ही खरीदारी आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। उसके बाद शुभ चौघड़िया धनतेरस पर सुबह 11:49 से दोपहर 1:22 तक रहेगी। फिर शुभ चौघड़िया होने के कारण अच्छा मुहूर्त है, आप इसमें भी ले सकते हैं। उसके बाद चर चौघड़िया फिर शाम को 4:07 से शुरू होगी और 5:30 तक रहेगी। चौघड़िया के कारण भी खरीदारी करने के लिए अभूज मुहूर्त रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि धनतेरस में ये मैंने आपको विशेष वो शुभ मुहूर्त बताए हैं जिनमें आप खरीदारी कर सकते हैं। तो कल जैसे कि धनतेरस है 10 तारीख को, ठीक है, तो आप इसमें जो है वो धनतेरस की पूजा कर सकते हैं, धनतेरस के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ खरीदारी को ही शुभ मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस दिन दो विशेष चीज़ों की खरीदारी हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आप सोने चांदी की कर सकते हैं तो वो करिए, बर्तन की कर सकते हैं वो करिए। मैं आपसे बस दो ही चीज़ें अवॉइड करने को कहूँगी। एक तो आप प्लास्टिक मत खरीदिए, लोहा मत खरीदिए, कास्ट आयरन जैसी चीज़ें मत खरीदिए। वो चीज़ें खरीदिए जो आपको काम आए, भले आप एक पीतल का चम्मच लीजिए, इस तरीके की चीज़ें लीजिए, ठीक है ना। कास्ट आयरन, लोहा, और इनसे जो है वो आप ज़रूर बचिए। खरीदारी का महत्व क्या है? धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन, जायदाद के सौदे, लग्जरी चीज़ें भी हम खरीद सकते हैं। जैसे हमने कहा ना कि धनतेरस पर इन चीज़ों से खरीदने से इनकी गुणवत्ता अत्यधिक बढ़ जाती है। चलिए आगे मैं आपको बता देती हूँ कि धनतेरस पर हम भगवान धन्वंतरी जी का पूजन कैसे करेंगे, या जो सामान हम नया खरीद के लाएंगे उसका पूजन कैसे करेंगे। अगर आपके पास श्री धन्वंतरी जी का विग्रह है, या मैंने धन्वंतरी जी का विग्रह आपको पहले से दिखाया हुआ है, अगर नहीं, आप ले सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे, दीदी उनकी स्थापना कैसे करें? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊँ, धन्वंतरी जी की स्थापना का बहुत अलग विधान है, वो अलग। आप विशेषकर तो ये है कि धन्वंतरी जी की स्थापना आपको जब भी करनी हो, आप नवरात्र में करिए, क्योंकि उनकी स्थापना एकमात्र ऐसे वो देवता हैं
जिनकी स्थापना होती तो 5 दिन की है, लेकिन 5ों दिन औषधियों से उनकी स्थापना होती है। जैसे हम फल फूल माला से करते नहीं, ऐसी उनकी स्थापना नहीं होती, उनकी स्थापना का अलग विधान है। अगर आप कभी कहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है पहले से, अच्छी बात है, नहीं है, आप धनतेरस को धनतेरस जी का विग्रह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे करें आप? अब चूंकि स्थापना तो हुई नहीं तो हम कैसे पूजा करें? चूंकि धनतेरस स्वयं धन्वंतरी जी को समर्पित है तो इस दिन आपको किसी विशेष शुभ मुहूर्त की, किसी विशेष शुभ विधि की आवश्यकता नहीं। आप पंचामृत से स्नान कराकर उनको स्थापित कर सकते हैं और ये पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा मानी जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से नहीं है, आप फोटो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, शाम के समय में ये पूजा होती है, पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर जो है श्री गणेश जी का आवाहन कर लीजिए। इस पूजा का विधान सामान्य पूजाओं से अलग है। तो आप कपड़ा बिछा के गणेश जी का आवाहन करके पान के पत्ते पर, और उसके बाद जो है फिर आप एक कलश की स्थापना करिए। ये कलश आप मिट्टी का, पीतल का, चांदी का, सोने का ले सकते हैं, प्लास्टिक और लोहे का, स्टील का कलश आपको नहीं लेना है। तो इसमें आप स्वास्तिक बनाइए पीले रंग के कुमकुम से, गले में जो है कलश के कलावा बांधिए, माला पहनाइए। समुद्र का जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर है आपके पास तो ठीक है, और नहीं है तो आप सादा गंगा जल और जल से जो है इस कलश की स्थापना करिए। इस कलश के अंदर विशेष हम क्या डालते हैं? जैसे इस समय तो हम लौंग से पाड़ी, इलायची, पान का पत्ता ये सब डालते हैं, इसमें ये सब चीज़ें ना पड़ के अलग चीज़ें पड़ती। जैसे 13 बेलपत्र डालते हैं, औषधि में आता है, आंवले की पत्ती डालते हैं, नीम की पत्ती डालते हैं, मूंग डालते हैं, खड़ा धनिया डालते हैं, सिक्का डालते हैं, सर्व औषधि डालते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। मैंने डिटेल में एक और वीडियो शेयर कर रखा है सर्व औषधि पर, आप उसे चेक कर लीजिएगा। सो सर्व औषधि डालकर हम इस कलश की स्थापना करेंगे। आप कलश में चाहे तो पान के पत्ते, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, या फिर औषधियों में आपको कोई पत्ते प्राप्त हो जाए तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप नीम के पत्तों से भी इसे सजा सकते हैं। मैं आपसे कहा ना कि इसमें अलग विधान है, पीपल के पत्ते भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर एक कटोरी में खड़ा धनिया या फिर मूंग भरकर आप रख दीजिए और उसके ऊपर आप जो है वो दीप प्रज्वलित करेंगे। धन्वंतरी जी की इस पूजा में दीप प्रज्वलित किया जाता है, नारियल का कलश हम नहीं रखते हैं। उसके बाद हम एक कलश और रखते हैं बगल में, जिसमें हम सादा जल रखते हैं और संपूर्ण पूजा होने के बाद अगले दिन इस जल को ग्रहण करते हैं एज ए औषधि मानकर, ठीक। तो इस तरीके से हम कलश की स्थापना करके भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करेंगे। कैसे करेंगे? हम उन्हें धूप दीपक इत्यादि पंचामृत से स्नान करा के, जनेऊ का लावा वस्त्र वगैरह अर्पित करके और उनकी जो है वो आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथों को शुद्ध कर लेंगे और हमने जो भी नया सामान लिया है, जैसे कि इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष रिवाज होता है, आप झाड़ू ज़रूर खरीदें, कुछ खरीदे चाहे ना खरीदे, झाड़ू बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये ज़रूर लेकर आए धनतेरस वाले दिन, ठीक है। इसके बाद आपने जो भी बर्तन खरीदे हैं, आप वो चाहे सेरेमिक के हो, कांच के हों, जो भी बर्तन आपने लिए हों, आपने अपनी गृहस्थी में कोई भी नया सामान लिया है, उसको आप रख कर उसकी विधान के साथ पूजा करें। जैसे कि पहले जल से स्नान करा दें, हल्का सा छीटा लगा दें, स्वास्तिक बना दें, कुमकुम चंदन लगा दें, कलावा चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, धूप दीपक दिखा दें। इस तरीके से आप अपनी जो भी आपका नया सामान है आप उसकी पूजा करें, भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपके परिवार में इसी तरीके से उन्नति होती रहे, चीज़ों में इसी प्रकार वृद्धि होती रहे। साथ ही साथ आप माता लक्ष्मी और गणेश जी का भी पूजन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विशेष पर्व ये जो है वो भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। भोग में इस दिन हम क्या लगाते हैं? भोग में इस दिन आप मूंग दाल का हलवा, मूंग दाल से बनी हुई विशेष चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। आप किसी कारणवश स्वस्थ हैं नहीं बना सकते तो आप खड़े धनिए का और मूंग दाल का भोग लगा सकते हैं। बाद में आप इसका क्या करेंगे, आप परिवार में प्रसाद के रूप में इसे आपस में बांट सकते हैं, आप स्वयं इसे धनियों को पीस के रख लीजिए, आप खाने पीने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो इस्तेमाल करें भगवान जी को, इस दिन आप भगवान जी के साथ साथ कुछ औषधियों का भी पूजन होता है। जैसे आपके घर में कोई बीमार चला आ रहा है, उसकी कुछ दवाइयाँ हैं, आप उनका भी पूजन करिए, उनमें एक दैविक गुण आ जाता है ऐसा माना जाता है। इस दिन दान क्या विशेष है? धनिए का दान, मूँग दाल का दान, औषधियों का दान, दवाइयों का दान, इन सब चीज़ों का दान करने से आपके परिवार में अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो वो स्वस्थ हो जाता है,
आप स्वस्थ रहते हैं, घर परिवार में सब मंगल रहता है, इस तरीके की कामना करते हुए हम दवाइयों का ही दान करते हैं। तो इसमें कोई विशेष लड्डू पेड़े का भोग नहीं लगा के हम औषधियों का ही भोग लगाते हैं और औषधियों को ही बांटते हैं, क्योंकि ये जो पूजन है वो एक वैद्य का है और वैद्य के पूजन में यही चीज़ें महत्वपूर्ण होती। सो देखिए, ये तो हमने कर लिया अपने धन्वंतरी जी का पूजन, आरती वगैरह करके आप चाहें तो छोटा सा पांच आहुति का होम हवन भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम जलाएंगे 13 दीपक। सो 13 दीपक अलग अलग जलते हैं, जैसे कि इसमें से एक दीपक तो धन्वंतरी जी का होता है, हम इसमें घी डालेंगे या आप तेल डाल सकते हैं तिल का, और साथ में थोड़ी सी 2-4 दाने मूंग के या 2-4 दाने धनिए के डाल के ये दीपक हम भगवान धन्वंतरी को अर्पित करते हैं। उसके बाद हम एक दीपक माता लक्ष्मी जी के लिए निकालते हैं और उसमें हम थोड़ी सी खीलें डालते हैं। उसके बाद एक दीपक हम तुलसी मैया का निकालते हैं और इसमें हम मूंग डालते हैं। एक दीपक हम गौशाला का निकालते हैं, आपके आसपास कहीं गौशाला हो तो ज़रूर जाके उनको दीपक दिखाएं, अगर आपके आसपास कोई गैया रहती है तो आप उसका पूजन करें, बहुत शुभ माना जाता है, और जो गैया का दीपक होगा उसमें दूर्वा डाली जाती है। फिर घर के मध्य भाग का एक दीपक निकलता है और जो घर के मध्य भाग का दीपक होता है उसमें हम खील डालते हैं। उसके बाद जहाँ से जल आ रहा है आपके घर में, अगर आपके यहाँ समरसेबल है आप उसके नीचे जलाइए, समरसेबल के पास रखिए, सप्लाई का पानी आता है आप वहाँ रखिए, हैंड पाइप है, जो भी आपके घर में जल का स्रोत है जहाँ से जल आता है आप वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाइए। उसके बाद हम घर की मुंडेर पर एक दीपक जलाते हैं। इसके बाद हम अपने पितरों का दीपक जलाते हैं। पितरों का दीपक विशेष होता है, उसे हम आटे से या फिर जौ के आटे से चौमुखा दीपक बनाते हैं और इस दीपक के हम काली उड़द, काला तिल, जौ या फिर धनिए के जो है 2-4 दाने डाल के ये दीपक हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। उसके बाद एक दीपक बनता है चित्रगुप्त जी का और 2 दीपक बनते हैं मेन गेट के। मेन गेट मीन्स जो हमारे गृह द्वार होता है, गृह प्रवेश करते हैं जहाँ से, वहाँ पे 2 दीपक जलाए जाते हैं। तो धनतेरस वाले दिन ये 13 दीपकों का अलग महत्व है। जैसे मैंने आपसे कहा जो त्यौहार होता है उस त्यौहार के अनुसार वहाँ की संख्या का भी विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि इस दिन हम धन्वंतरी जी और यमराज जी का दीपक कैसे जलाएंगे। मैंने आपको पहले भी डिटेल में ये वीडियो मैंने कई पार्ट में शेयर की हुई है ताकि कोई गलती ना हो, बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक ना हो जाए, मैंने सब कुछ डिटेल में शेयर किया हुआ, लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा इस समय नहीं है। सो जो लोग मे भी हमारे चैनल पर नए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं दीदी आपकी वीडियो में आवाज़ कभी कभी बहुत कम आती है। होता क्या ना, जैसे मैं वीडियो शूट करने बैठी तो थोड़ा सा वीकनेस लगने लगती है, वीडियो शूट करते करते वीकनेस लगने लगती है, या फिर चूंकि मैं प्रेगनेंसी फेज में हूँ तो पता चला बैठी हुई हूँ, अच्छा खासा बैठी हूँ, 2 मिनट हुआ मुझे वॉशरूम जाने का मन करने लगता है। सो ये सब बहुत नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, तो इस तरीके की स्थिति होती है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि हम चित्रगुप्त जी का और यमराज जी का दीपक कैसे जलाएंगे। देखिए इसका एक अलग विधान है, विशेष विधान है। आपके घर में अगर ऐसा होता आ रहा है, जैसे होता ना, आप देखेंगे ज़्यादातर तो आपको समझ में आएगा, जैसे आप बैकग्राउंड में चेक करेंगे अपने, कि कुछ लोग जो हैं उनका अकाल मृत्यु हो गई, मतलब समय नहीं था मृत्यु का, स्वस्थ थे वो, अच्छे खासे स्वस्थ थे, आ रहे थे जा रहे थे, कहीं कुछ हो गया, अकाल मृत्यु जिसे कहती है, जिसके घर में अक्सर ऐसा होता रहता है या अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो वो विशेषकर इस पूजा में ध्यान रखें। जितनी महत्वपूर्ण धन्वंतरी जी की पूजा होती है उतनी ही महत्वपूर्ण जो है वो यमराज जी और चित्रगुप्त जी का पूजन होता है और उनका दीपक जलाते हैं। सो ये दीपक हम जब घर से बाहर की ओर निकल रहे होते हैं तो हमारे राइट हैंड पर पड़ता है, और बाहर से अंदर की तरफ आ रहे होते हैं तो लेफ्ट हैंड पर पड़ता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, जैसे ये हमारा मुख है, हम बाहर को जा रहे हैं तो हम अपने राइट हैंड पर दरवाजे के मेन साइड अंदर की तरफ इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हम जगह को साफ कर लेंगे, अगर कच्चा है तो लीप लेंगे, नहीं तो धो लेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी हम तो फ्लैट में रहते हैं, तो आप इस पूजन को एक थाली के अंदर कर लीजिए, ठीक है, जमीन में नहीं करना चाहते तो थाली में कर लीजिए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप क्या करें, पहले तो प्लेट में एक रंगोली बना लें, उसमें आप यमराज जी का एक चिन्ह बना लें, चिन्ह स्वरूप जैसे कि उनकी गदा है वो बना लें, चित्रगुप्त जी का एक चिन्ह बना लें, जैसे किताब और पेन कलम जो होती ना उसका आप जो है वो एक चिन्ह बना लें, और उसके ऊपर आप अपने दीपकों को प्रज्वलित करें। दोनों दीपक आटे से या फिर जौ के आटे से या गेहूं का आटा, जौ का आटा मिला के बना सकते हैं, आप इसमें थोड़ा काला तिल भी मिला लीजिए, बहुत अच्छा होता है।
इसमें चौमुखी बाती लगती है, दो बातियां लगाते हैं हम, चौमुखा दीपक जलाते हैं। सो सबसे पहले हम यमराज जी के दीपक को स्थापित कर देंगे, चित्रगुप्त जी के दीपक को स्थापित करेंगे, जल गंगा जल से हल्का सा स्नान करा के, और हम जो दीपक के अंदर है वो जौ तिल और काली उड़द डालेंगे, और ये जो 13 दीपक हम जला रहे हैं इन सभी दीपकों में एक एक रुपए का सिक्का डालेंगे। दीप जो है रखने के बाद हम दीपकों को प्रज्वलित कर देंगे और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है उस पर नज़र बनाए रखें, और गलती तो सबसे होती है तो हमारी गलतियों को माफ़ करें। इस तरीके से हम क्षमा याचना करके जो है धन्वंतरी जी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और यमराज जी का भी दीपक प्रज्वलित करेंगे, और ये दीपक हम पूरे 5 दिन तक लगातार जलाएंगे। लगातार का मतलब ऐसा नहीं कि हमने जला दिया बुझना नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, पंच पर्वीय त्यौहार है, 5 दिन जलाएंगे। जैसे हमने शाम को जलाया, इतना बड़ा दीपक बनाइएगा आप कि तेल भरने के बाद, अच्छा इस दीपक में विशेषकर जो दीपक पितरों का निकलेगा, घर की मुंडेर का निकलेगा, धन्वंतरी जी का और यमराज जी का, इन दीपकों में सरसों का तेल पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो मतलब जब आपने दीपक प्रज्वलित किया तो कम से कम वो घंटे सवा घंटे के लिए जलता रहे। अच्छा, इसके अंदर जो सिक्के हम डालेंगे 13 दीपक के, इन सिक्कों को बाद में हम संभाल के रख लेंगे, और जो है हम जब त्योहारी बांटते हैं तो लोगों में इन सिक्कों का वितरण कर देते हैं। तो इस तरीके से हम धन्वंतरी जी का दीपक जो है प्रज्वलित करते हैं। और अगर आप विधान से जानना चाहते हैं तो आप हमारे आदि वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में शेयर कर रखी हैं। सर अभी चलिए हम कर लेते हैं कुछ अपनी पर्सनल चिट चैट बातें जो नहीं हो पा रही, तो बहुत सारे लोगों को कॉमेंट आ रहा था कि दीदी आपने बहुत अच्छी शॉपिंग की, थैंक यू सो मच, सब चल रहा था तो कुछ लोगों कमेंट था कि दीदी क्या आपने बाज़ार जाकर ही शॉपिंग की? नहीं, आपने देखा मैंने ज़्यादातर वीडियो में बताया है कि मैंने शॉपिंग ऑनलाइन की है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर कोई चीज़ मैंने बाज़ार से ख़रीदी भी है ना, तो वो मैं बहुत 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 पहले ख़रीद के लाई थी। अच्छा, कल जो है हमारा जो है वो 7वां महीना कम्प्लीट हो जाएगा, कल धनतेरस है ना, पता है कल मेरा 7वां महीना कंप्लीट हो रहा है। हाँ, तो कल मेरा 7वां महीना कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं बाज़ार जाने में वैसे भी बहुत घबराती हूँ, भीड़ भाड़ से वैसे ही बचती हूँ, और आजकल पता नहीं क्यों अजीब सा मुझे हो गया, बहुत भीड़ में जाती हूँ ना तो मुझे ना अजीब सी उलझन सी हो जाती है। तो अच्छा, घर में काम भी बहुत है, जानते हैं दिवाली की साफ़ सफाई कहीं कुछ कहीं, तो साफ़ सफाई तो बहुत लंबे टाइम से चल रही है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी क्या आपने अभी कोई हाउस हेल्पर नहीं लिया? नहीं नहीं, अब ले ली हैं, क्योंकि हमारे घर में काम झाड़ू पोछे का बहुत बढ़ जाता है, तो एक हाउस हेल्पर है वो आ गई हैं, और बाय गॉड मैं बताऊँ बहुत अच्छी हैं, जैसे मैं काम करती हूँ ना बिल्कुल वैसे ही करती हैं, अपना घर समझिए करती हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँ कि मैं धनतेरस की पूजा करूँगी, इसका वीडियो मैं शूट कर लूँगी, दिवाली की पूजा करूँगी, इसका वीडियो मैं शूट करके रख लूँगी, जब हमारे दिवाली के पंच पर्वीय त्यौहार निपट जाएंगे ना उसके बाद मैं सारे वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी, श्रृंगार के वीडियो जो भी वीडियो है मैं उसके बाद आपके साथ डिटेल में सारे वीडियो जो है वो शेयर कर दूँगी। चूँकि अभी मैं पहले से इस वीडियो को शूट नहीं कर पाई थी, तो आज तो देखिए मैंने धनतेरस का वीडियो डाला, धनतेरस वाले दिन छोटी दिवाली का डालूंगी, छोटी दिवाली वाले दिन बड़ी दिवाली का डालूंगी, तो एक एक करके सारे वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, जो यमराज जी के लिए हमें रंगोली बनानी है वो या तो आप आटे से बनाएंगे, या जौ और गेहूं के आटे को मिक्स करके बनाएंगे, या सफ़ेद रंग से बनाएंगे, उसमें कलर को ऐड हम नहीं करते बहुत ज़्यादा, अच्छा यही है कि आप सफ़ेद रंग से बनाएं, उनको ये रंग बहुत प्रिय है, या ब्लैक एंड वाइट मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ अविदा न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।